नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज्य की नींव। मित्रों, नींव नींव एटले शू? नींव का मतलब क्या होता है? नींव जो नींव है, नींव यानी कि पत्थर, धरोहर जिसे कहते हैं धरोहर। गुजराती में कहे पायानो पत्थर, जे इमारत ना पायामा जे सचवायला पत्थर छे, जेनी ऊपर इमारत बनी छे, ए मकान नी नींव छे, ए एनो पायो छे। जो पायो मजबूत होय तो ऊपर नी इमारत पण मजबूत होय छे। यहाँ पर स्वराज्य की नींव यह एकांकी है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। एकांकी का मतलब होता है एक अंक में पूर्ण होने वाला नाटक, मतलब एकांकी ये नाटक का ही एक प्रकार है जो एक अंक में पूरा होता है। यहाँ पर जो एकांकी स्वराज्य की नींव यानी कि आजादी की जो शुरुआत आजादी जे प्राप्त थी एना पायामा कौन हता एनो ए पात्रों ने अहीं बतावामां आव्यो छे। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर मंदर और जुही वो दोनों लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं, तात्या सेनापति हैं। इसी प्रकार से रघुनाथ राव और सेना नायक ये रघुनाथ राव एक योद्धा हैं। इस प्रकार से यहाँ इस एकांकी में लक्ष्मीबाई के द्वारा जो त्याग किया गया है और जो संघर्ष किया गया, उस त्याग और संघर्ष का यहाँ पर वर्णन पाया जाता है। स्वराज्य की भूमिका में स्त्रियों की जो भूमिका थी वो बहुत तो ही महत्वपूर्ण थी। प्रस्तुत एकांकी में एकांकी के पात्र जो है वो स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वराज की जो नींव का पत्थर है वो नींव का पत्थर बन गए। और जनमानस में देश प्रेम और नई जागरूकता की जो भावना है, उस भावनाओं को जगाने का सार्थक प्रयास इस एकांकी द्वारा किया गया है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूहे के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती में कुर्ते के सैनिकों के बीच घुसती हैं। यहाँ रंगमंच का जो दृश्य है नाटक में शुरुआत जारे करवामां आवे छे, त्यारे स्टेज ऊपर एटले के रंगमंच ऊपर जे वातावरण छे ए एकांकीने अनुरूप करवामां आवे छे। कोई पण नाटक भजवता होय तो स्टेज ऊपर ए नाटकने अनुरूप चित्र छे, पात्रो छे, एवुं एक वातावरण ऊभुं करवामां आवे छे। यहाँ पर छावनियां बनी हुई है, वहां से उत्तेजित होकर निकलती हुई महारानी लक्ष्मीबाई आ रही तो सैनिक वेशभूषा में है। आते ही लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, जोत जोतामा शूट हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती। झांसी की रानी ने अपना जो राज्य था
छीन लिया है, जीत लिया है, तो वो कहते हैं कि कल क्या से क्या होगा है, यहाँ पर झांसी चला गया, काल भी चला गया। तो ये जो सारी मंजिलें वो पास आकर भी दूर चली जाती हैं, स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। मार्ग में हिमालय अड़ जाना मुहावरा है, अगर मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ आ जाना। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि स्वराज मिल जाएगा, लेकिन जब पास जाते हैं तो बहुत, जितने पास जाते हैं उतने दूर दूर दिखता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं, उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। यह दृश्य महारानी बता रही हैं कि ये जो स्वराज प्राप्ति की जो स्वप्न दिख रहे हैं हम लोग, जो मेहनत कर रहे हैं, तो कहते हैं कि डरावनी लहरों, समुद्र की जो लहरें उठते हैं वो थपेड़े मारने लगती हैं, उनसे जूझते हैं, युद्ध कर लेते हैं, तो नाविक सो जाता है। जिस नाव में समुद्र को पार करना है यहाँ, वो नाविक सो जाते हैं। मध्य समुद्र में नाव चल रही हो और नाविक सो जाए तो क्या होगा, विनाश निश्चित हो जाता है। महारानी कहते हैं मैं इस समय जो अंग्रेजों से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बहुत सी अड़चने सामने आती है। देखो जो ही उधर क्षितिज पर देखो, क्षितिज शब्द समूह के लिए एक शब्द है, जहां जमीन और आसमान एक जगह इकट्ठा होता है, ये आभास है। तो वो जो जगह है जहां दूर दूर तक देखते हैं तो जमीन और धरती और आकाश एक जगह मिल जाते हैं, इसे क्षितिज समूह कहते हैं। शब्द समूह के लिए ये एक शब्द याद रखिएगा। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। एक तरफ अंग्रेजों से युद्ध करना है, जो उनके साथी हैं वो ऐशो आराम कर रहे हैं। आवेश में आते ही सहसा कह उठती है, जुही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। उत्तेजित हो जाती है लक्ष्मीबाई और कहती है अपनी सखी जुही से, जुही मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं अपनी झांसी है वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं दूंगी, लेकिन क्या करूं, आखिर झांसी उनके हाथ में चले गए, मेरे हाथ से छूट गए। सस्ता अचानक तीव्र होकर कहती है, नहीं नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उनसे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर आऊंगी। कहती है कि झांसी निकल गई, भले निकल गई हो लेकिन अभी तक निकले, मैं फिर उस झांसी को अपने पास वापस ले लूंगी। जो कहते हैं, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ते हैं, फिर यह निराशा कैसे। जो ही कहती है, जब लक्ष्मीबाई निराश होती है तो कहते हैं कि आप निराश क्यों हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप गीता पढ़ती हैं, आप अकेले नहीं हैं, निराश मत हो। मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। कहते हैं कि अकेले भले हूं, मैं अपनी झांसी वापस लूंगी, लेकिन याद है जो बाबा गंगादास थे उन्होंने क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज मिल नहीं मिल सकता। बाबा गंगादास लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि हमारे देश में से जब तक छुआछूत ऊंच नीच ये सब जो भेदभाव है जब तक मिटेंगे नहीं, तब तक आजादी हमें प्राप्त नहीं होगी। वह मिल सकता है,
केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। स्वराज मिल सकता है लेकिन इसके लिए सेवा, तपस्या और बलिदान की जरूरत पड़ेगी। जूने का लेकिन महारानी उन्होंने अभी तो कहा था कि स्वराज के स्वराज प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। जूने कहते बाबा गंगादास ने जो कहा था कि स्वराज प्राप्ति के लिए सबसे पहले स्वराज प्राप्ति की जो भूमिका है, जो वातावरण है, वो तो तैयार करना पड़ेगा और स्वराज की नींव का पत्थर बनना, यानी स्वराज की शुरुआत कर लेना। जब तक कोई शुरुआत नहीं करेगा आगे का कार्य कैसे हो पाएगा। इसलिए कहते हैं क्या आजादी की नींव के पत्थर बनो, आजादी के शुरुआत करो। सफलता और असफलता दैन के आधार पर है। सफलता और असफलता मिलना, किसी भी कार्य को इसलिए करना बंद करना नहीं चाहिए कि सफल होंगे या निष्फल। कार्य शुरुआत करो, सफलता मिलेगी या असफलता ये देव के हाथ में, भगवान के हाथ में है, लेकिन इससे हमें अपना कार्य कर बंद नहीं कर देना चाहिए। लेकिन नींव के पत्थर बनने में हम जब कौन रोक सकता है। चलो हम स्वराज भले प्राप्त न कर पाए लेकिन हम स्वराज प्राप्त करने के लिए उसके नींव का पत्थर तो बन सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हैं। वह हमारा अधिकार है। जूही कहते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम उस नींव का पत्थर बने। लक्ष्मीबाई ने मुस्कुरा कर कहा शाबाश मेरी कर्नल, तुम तीनों लोगों में से मुझे यही आशा है। जो तुम तीन लोग हो, तीनों से मुझे यही उम्मीद है सुंदर जूही और कात्या कि आप आजादी के लिए मेरे साथ खड़े रहेंगे। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं या निश्चय महान। लक्ष्मीबाई ने कहा जिस आजादी की नींव के लिए तुम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो तो ये कार्य अवश्य होकर रहेगा और ये महान कार्य होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। लक्ष्मीबाई कहते हैं मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आजादी के लिए मैं शुरुआत करूंगा और मेरे जीवन काल में ही आजादी मिल जाए, ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्तियां फिर भी हम दुख। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई कहते हैं कि दुख इस बात का है कि हमारे पास ताकत है, सैन्य बल है, फिर भी हम दुर्बल नजर आते हैं। दुर्बल, दुर्बल का विरोधार्थी शब्द है सबल। दुर्बल विरोधार्थी सब सबल। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। या लक्ष्मीबाई कहती हैं कि हमारी सेना में तात्या जैसा शक्तिशाली सेनापति हैं, हमारे पास ग्वालियर जैसा किला है। ग्वालियर का किला जो एक मजबूत किला माना जाता है, तो कहते हैं कि इस समय ग्वालियर हमारे पास है तो ग्वालियर जैसा मजबूत किला हमारे पास है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो? मैंने कहा जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं। विलासिता मतलब भोग विलास, ऐशो आराम करने में लगे हुए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती हैं। मुंदर ने कहा कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? मुंदर महारानी लक्ष्मीबाई की सखिया होता है, इतने में आती हो तो कहते थे कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? विलासिता में तो डूबे हुए राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या, ये सब विलासिता में डूबे हुए हैं। जूही ने कहा सहसा, सहसा मतलब एकाएक। नहीं मुंदर, सेनापति नहीं,
जुही ने तुरंत यहाँ पर, जैसे ही मुंदर ने कहा कि यहाँ तात्या जैसा सेनापति रघुनाथ ये तो सब है बांदा के नवाब वो विलास अपने भाई, तो जुही ने तुरंत तात्या का पक्ष लेते हुए कहा कि नहीं सेनापति नहीं, सेनापति ऐसे विलासिता में डूबे हुए नहीं है। मुंदर ने कहा मुस्कुराते ओ समझी तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। मुंदर समझ जाते हैं कि क्यों उनका पक्ष लेती है। जुहे ने कहा दरअसल में मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया भी नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। जुही कहते हैं कि मैं कुछ छुपा नहीं रही हूं, जो सच है वो तुम्हारे सामने। सेनापति जो है वो महाराजा को अपना सब कुछ मानते हैं, जो महाराजा कहेंगे वो कार्य करेंगे। इसलिए इस समय उन्होंने जो महाराजा ने हुक्म दिया है उसी प्रकार वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए सच्चाई जो है उसको छिपाई नहीं जाती। मुंदर ने कहा और तुम तो उनको अपना स्वामी मानती हो। मुंदर कहते हाँ तुम्ही तो उसे अपना स्वामी मानती है, तो उसे स्वामी मानती है और तू तात्या को स्वामी मानती है और तात्या महाराजा को अपना स्वामी मानता है। जुही ने कहा हाँ मैं उनको अपना स्वामी अवश्य मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से बढ़कर भी मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए सरदार को ठुकरा भी सकती हूँ और ठुकरा भी चुकी हूँ। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की जो सखियाँ हैं सुंदर और मुंदर, इन दोनों का वार्तालाप यहाँ पर बताया हुआ है।